राम मंदिर की मांग को लेकर एक बार फिर से अखिल भारत हिंदू महासभा इंदौर के बैनर तले शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा में जमकर धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। आप भी देखिए। लोकसभा चुनाव की तेज होती आहट के साथ राम मंदिर मुद्दे पर भी शिद्दत के साथ आवाज मुखर हो रही है। देश के अलग अलग कोनों से राम मंदिर को लेकर अब हिंदू संगठन केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा शीघ्र राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मंच संचालक दिनेश पाठक जी हमारे उपस्थित हैं। खत्म हो जाए तो कोई साउंड नहीं बनेगा। कोई चार पंक्ति और देना चाहता हूँ। मेरे मित्र जो अभी भी खड़े हुए हैं वो कुर्सी पर बैठ जाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को मेरी कलम नहीं बख्शेगी सगे भाई दुश्मन। भगवान राम का मंदिर था, भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर रहेगा। अब चूंकि भगवान इस देश का अच्छा सोचने की उम्मीद जिनसे थी कि अच्छा करेंगे, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। 15 साल तक सरकार का सुख होगा। लेकिन एक छोटी सी बात, अयोध्या में राम मंदिर की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे धार में भोजशाला के अंदर माँ सरस्वती की प्रतिमा तक स्थापित नहीं करवाए। इसी सरकार जो 15 साल तक राज करती रही, केवल वायदे ही रहे, लेकिन उसका नतीजा भी उन्हें भोगना पड़ा। माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापना करने में क्या तकलीफ थी? हमारी मांग थी, हिंदू संगठनों की मांग थी, पूरे देश की मांग थी, हम सब माँ सरस्वती। तो वहीं इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के नेताओं ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज अयोध्या में केंद्र सरकार भव्य राम मंदिर का निर्माण करे, इसके लिए हमने अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से यहां पर धरना रखा गया है। मोदी जी को 5 साल होने को पूरे आ गए हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। बाकी सब मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे से वो मुँह छुपा रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार से यह मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र संसद में अध्यादेश ला करके कानून बना करके श्री राम मंदिर का निर्माण करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल प्रदेश में रही और धार की भोजशाला में इन लोगों ने वादा किया था कि हम मूर्ति बिठाएंगे, लेकिन 15 साल इन्होंने सत्ता की मलाई खाई है और कोई राम हिंदुत्व के लिए काम नहीं करा। हमेशा झूठ बोलते हैं ना, गौ रक्षा पे काम करा ना, धारा 370 पे काम करा ना, कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने काम करा है, हर बार झूठ बोलते हैं हिंदुओं को। और इस बार अगर इन्होंने काम नहीं किया, राम मंदिर नहीं बनाया, तो हिंदू समाज इनको वोट नहीं देगा। जैसे 3 प्रदेशों में इनकी सरकार हटाई गई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से, ऐसे ही इनको आने वाले पूरे देश से इनका सफाया कर देगा हिंदू समाज। हमारे घर पर ये लोग वोट मांगने आए हैं, हिंदू समाज के घर पर राम मंदिर के लिए, कि हमें वोट दो तो हम राम मंदिर बनाएंगे, हम धार की भोजशाला में मूर्ति उठाएंगे। लेकिन आज तक इन्होंने किसी एक मुद्दे पर भी काम नहीं कराए और हिंदू समाज बहुत आक्रोश में है। अगर इन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया तो हिंदू समाज इनके विरोध में खड़ा होगा पूरी तरह से। कुल मिलाकर राम मुद्दे से संसद की सीढ़ी चढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण को लेकर अब देश भर से दबाव बनाया जा रहा है। वहीं भाजपा अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अध्यादेश लाने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।